ग्रीन बीटल एक छोटा मधुमक्खी खाने वाला पक्षी है जो एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में रहता है। यह एक छोटा अति सुंदर पक्षी है जिसमें चमकीले हरे रंग के पंख होते हैं। इसके गले पर एक संकीर्ण काली पट्टी होती है। इसके दो केंद्रीय संकीर्ण लंबी काली पूंछ वाली धाराएं भी खास हैं और केवल वयस्क पक्षियों में ही मौजूद होती हैं। नर और मादा पक्षी एक जैसे दिखते हैं। यह पक्षी मधुमक्खियों को चाव से शिकार करके खाता है, इसीलिए इसे बी ईटर कहा जाता है और इसे हिंदी में पतरिंगा कहा जाता है। ये पक्षी जंगली क्षेत्रों में बार आती है जहाँ बिखरे हुए पेड़ और झाड़ियाँ हैं जो नदियों और तटों के पास रहते हैं, लेकिन बबूल और खजूर वाले शुष्क क्षेत्रों में भी होते हैं और टीलों में खेती वाले क्षेत्रों और बड़े बगीचों के पास होते हैं। उसे नंगी और रेतीली मिट्टी पसंद है। पतरिंगा काफी मिलनसार पक्षी होते हैं। ये 20 से अधिक पक्षी एक साथ झील से स्नान करते हुए देखे जा सकते हैं। यह गतिविधि इनके पंखों से हानिकारक परजीवियों को हटाने में मदद करती है। इनके समूह पेड़ों में ऊंची शाखाओं पर एक साथ सोते हैं। रात को छोड़कर वे काफी कम बैठते हैं। वे अकेले या 15 से 20 पक्षियों के समूह के साथ भोजन करते हैं। ये सुंदर पक्षी आमतौर पर जमीन पर कम शिकार करते हैं। वे कभी कभी मवेशियों या चरने वाले हिरन की पीठ पर बैठ जाते हैं। अपने शिकार को खाने से पहले वे एक सख्त सतह पर कई बार कीट को पटक कर मार कर किसी भी तरह की उनसे गंदगी या डंक को हटा देते हैं। पतरिंगा कीट भक्षी होते हैं। वे मधुमक्खियों, कीड़े, भृंग, दीमक, पतंगे और कई मक्खियों को खाते हैं। वे तितलियों, झींगुर, ड्रैगन फ्ली, कैटरपिलर और मकड़ियों को भी खाते हैं। पतरिंगा को एकांगी प्रजनक माना जाता है, जिसका अर्थ है कि एक नर केवल एक मादा के साथ जीवन बिताता है और एक मादा केवल एक नर के साथ ही जीवन बिताती है। प्रजनन का मौसम मार्च से जून तक या कभी कभी जुलाई से अगस्त तक होता है। ये पक्षी जमीन पर बिलों में घोंसला बनाते हैं, जिन्हें नर और मादा दोनों द्वारा समतल जमीन में एक कोमल ढलान में खोदा जाता है। बिल की लंबाई 1 से 2 मीटर होती है, जिसके अंत में घोंसला कक्ष लगभग 15 सेमी होता है। कक्ष में 4 से 8 सफेद अंडे रखे जाते हैं और जिनमें से 18 से 22 दिनों में बच्चे निकल जाते हैं। अंडे मुख्य रूप से मादा से देती है। पतरिंगा का एक विशेष शिकारी बचाव व्यवहार होता है। इसमें यदि कोई संभावित शिकारी पक्षी के घोंसले को देखता है तो पतरिंगा उसमें तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि शिकारी दूर न चला जाए। इस उल्लेखनीय व्यवहार से पता चलता है कि पक्षी इस बात से अवगत है कि शिकारी क्या देख रहा है। पतरिंगा खतरनाक शिकार का डंक मारकर और शाखा से मधुमक्खी को मारकर और रगड़कर जहर को खत्म कर देते हैं। पतरिंगा मधुमक्खियों के प्राकृतिक रूप से पैदा हुए हत्यारे होते हैं। यहाँ तक कि छोटे पक्षी भी, जिन्होंने पहले कभी मधुमक्खियों को नहीं देखा है, वे भी जानते हैं कि उन्हें कैसे पकड़ना है और उनसे कैसे निपटना है। पतरिंगा बड़े स्तनधारियों और जमीन के बड़े पक्षियों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि वे घूमते समय कीड़ों को उत्तेजित करते हैं और उन कीड़ों का शिकार करने के लिए ये तेज गति भी रखते हैं जो उनके द्वारा परेशान किए गए हैं।